हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट और इसके अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी यूनिट चल रही है सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा था इससे पहले की क्लास के अंदर, मैटर के बारे में हम देख रहे थे, द्रव्य होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। और हमने चर्चा की थी द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। उसके अंदर हमने देखा था यदि हम द्रव्य की बात करते हैं तो सामान्यतः द्रव होता है अर्थात द्रव तीनों अवस्थाओं के अंदर प्रकृति के अंदर रह सकता है। एक ही जो द्रव होता है, जैसे हम जल की बात करते हैं तो जल नॉर्मल अवस्था के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था द्रव अवस्था, देखो द्रव्य की तीन अवस्था हैं और तीन अवस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है, ठीक है, हम द्रव्य की बात कर रहे थे। अब इसमें हमने देखा था कि जो द्रव होता है नॉर्मल अवस्था में जल होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यदि उसको ठंडा किया जाता है तो उसके दौरान वो बर्फ में परिवर्तित हो रहा था, और यदि उसको गर्म किया जाता है तो वाष्प के, जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा था। अर्थात हमने देखा था जो स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर हमने चर्चा की थी, देखो स्टेट ऑफ मैटर की हमने बात की थी और स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमने देखा था मैटर होता है, मैटर के बारे में देखा था, इसकी तीन अवस्थाएं देखी थी यहां पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर कि ये जो सॉलिड और लिक्विड गैस होती है उसको यदि हम बात करें, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ यदि इसको क्या किया जा रहा है, बर्फ़ को गर्म किया जा रहा है, तो गर्म कर रहे हैं तो ये किसके अंदर, जल के अंदर परिवर्तित होगी, और या फिर द्रव के अंदर परिवर्तित होगी, किसके अंदर, द्रव, ठीक है, ये द्रव। और यदि फिर इसको गर्म किया जाता है तो जल वाष्प के अंदर ये परिवर्तित होगी, किसके अंदर, जल वाष्प, वाष्प अर्थात गैस के अंदर। अब इस गैस को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो किसमें परिवर्तित हो रही थी, किसमें, द्रव में, और फिर इस द्रव को क्या किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, तो किसमें, सॉलिड अर्थात ठोस में, बर्फ, बर्फ के रूप में अर्थात ठोस के रूप में परिवर्तित हो रही थी। तो इस प्रकार से हमने देखा था। अब हमारा आज का टॉपिक चलेगा, इसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य की, द्रव का वर्गीकरण। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम बात करते हैं आज, कि द्रव के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। सामान्यतः जो भी वृद्ध स्तर होते हैं, जो वृद्ध स्तर पर जो द्रव को मिश्रित और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात बड़े स्तर पर जो द्रव्य होते हैं उनको दो वर्गों में या दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, या तो मिश्रित और शुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण के रूप में या फिर शुद्ध पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट, यहाँ मिश्रित भी कर सकते हैं और मिश्रण भी कर सकते हैं, ठीक है, मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ के रूप में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात द्रव के बारे में हम देखें, द्रव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखो देखो द्रव्य मैटर सामान्यतः कितने पार्ट्स, शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर और दूसरा क्या है, मिश्रण। मिश्रण की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। देखो शुद्ध पदार्थ की यदि हम बात करें, शुद्ध पदार्थ
यहाँ पर दो भाग होते हैं शुद्ध पदार्थ के, अर्थात एक तो होता है शुद्ध पदार्थ एलिमेंट तत्व, तत्व होता है, दूसरा होता है कंपाउंड यौगिक। क्या होता है? कंपाउंड या यौगिक। एलिमेंट क्या होता है? एक सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जो तत्व होते हैं, तत्व केवल सिंगल होता है, अर्थात इसको और अन्य पदार्थ के रूप में, अर्थात और अन्य भाग के अंदर इनको विभक्त नहीं किया जा सकता है। किसको? एलिमेंट को, तत्व को, अर्थात यह सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, अनेक एलिमेंट की यदि हम चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं, देखो तत्व के रूप में ऑक्सीजन पाया जाता है ओ, तो उसको हम अन्य डिवाइड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन रहता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन होता है, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे कॉपर है, तो केवल कॉपर होता है, अर्थात ये क्या होते हैं? एक एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, एक सिंगल होते हैं एलिमेंट होते हैं जो। नेक्स्ट हम नंबर दो की बात करते हैं, कंपाउंड यौगिक। देखो यौगिकों की यदि हम चर्चा करते हैं, कंपाउंड की यदि हम चर्चा करते हैं, तो इनका नियत संगठन पाया जाता है। क्या होता है? नियत संगठन होता है, अर्थात रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा, अर्थात रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जो घटक होता है वो किसमें? तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात विघटित किया जा सकता है। देखो जो यौगिक होता है, यौगिक अनेक तत्वों से मिलकर के बना होता है, उसके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है, अनेक तत्व यौगिक के अंदर पाए जाते हैं। यौगिक को भौतिक या रासायनिक प्रक्रम की प्रक्रिया द्वारा उनको किसमें विभक्त किया जा सकता है, अर्थात तत्वों में उनको विभक्त किया जा सकता है। यौगिक को तत्वों के अंदर, जिन तत्वों से यौगिक मिलकर के बना होता है, उनको, उस यौगिक को उन्हीं तत्वों में डिवाइड किया जा सकता है, अर्थात विभक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर, देखो जैसे जल में, जल होता है या फिर मेथेन होती है, या चीनी या फिर नमक, जल होता है। जल में अनेक मतलब H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमने एक जल लिया, अर्थात जल की मात्रा ली एक गिलास में, उसमें से आधा जल हम दूसरे गिलास में ले सकते हैं, मतलब क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया। फिर उसके जो अणु हैं, मतलब उनको यौगिक में से अणुओं को अलग हम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मेथेन में गैस होती है, उसमें भी मेथेन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो शुगर होती है या साल्ट होता है, नमक होता है, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? इनको कंपाउंड जो यौगिक होते हैं, उनके रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा घटकों को तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर दो की, यहाँ बात करें तो हम मिश्रण की चर्चा करते हैं। देखो मिश्रण की हम बात करें तो मिश्रण सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हेटेरोजीनियस और दूसरा होता है होमोजीनियस। एक होता है हेटेरोजीनियस और दूसरा क्या होता है? होमोजीनियस। जो मिश्रण की हम बात करें, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण के अंदर जो संगठन होता है वो समान संगठन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जल में हम क्या डालते हैं, अर्थात जल में शक्कर का विलयन, या फिर नमक, जल में नमक का विलयन, या फिर एल्कोहल में जल डालते हैं, तो यहाँ जल में क्या है? शक्कर का विलयन सॉल्यूशन हो जाता है, समांगी मिश्रण बनता है, अर्थात इसके अंदर जो द्रव अवस्था ही पाई जाए, इसके अंदर जो मिश्रण बनेगा, तो जल में यदि हम शक्कर का विलयन डालेंगे, क्या डाल रहे हैं? शक्कर का विलयन। जल में लिक्विड में लिक्विड डाल रहे हैं तो समांगी मिश्रण। जल में नमक का विलयन डालेंगे तो ये जल है, लिक्विड है, नमक का विलयन भी क्या है? लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड मतलब क्या कहेंगे यहाँ पर? समांगी मिश्रण। एल्कोहल है, लिक्विड है, जल है, लिक्विड है, तो एल्कोहल में जल, तो ये भी क्या है? समांगी मिश्रण। तो मिक्सचर होता है, दो प्रकार
होता है। नंबर एक की बात की है, समांगी मिश्रण, अर्थात इसके अंदर समान प्रकार के जो घटक इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, अर्थात समान संगठन होता है इनका। नेक्स्ट नंबर दो की बात करते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर अर्थात विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो इसके अंदर जो संगठन होता है वो कैसा होता है, असमान संगठन पाया जाता है। अर्थात एक अवस्था यदि एक द्रव अवस्था है तो दूसरी ठोस अवस्था होगी, या एक ठोस अवस्था है तो दूसरी गैस अवस्था होगी, या एक ठोस है तो फिर दूसरी द्रव अवस्था होगी। मतलब इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, बालू की बात करते हैं, बालू मिट्टी जो भी होती है, बालू मिट्टी उसकी बात करते हैं, या फिर नमक की बात करते हैं, या फिर शक्कर, ये कैसे है, सॉलिड है, अथवा तेल और जल आदि का मिश्रण। अर्थात बालू मिट्टी नमक और शक्कर ये क्या है, सॉलिड। यदि इनको तेल के अंदर डाला जाता है, जल के अंदर डाला जाता है, मतलब ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, लिक्विड, तो असमान संगठन हो गया। तो ये जो असमान संगठन होता है तो ऐसे जो मिश्रण को या ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्थात जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, उसका वर्गीकरण यहाँ पे से देखा है हमने कि द्रव का वर्गीकरण क्या होता है, अर्थात क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा है द्रव्य के दो भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर मैटर और मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो तत्व होता है, दूसरा यौगिक एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट। सरल पदार्थ विभक्त नहीं किए जा सकते, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर एटसेट्रा हमने एग्जाम्पल लिए। कंपाउंड इनका नियत संगठन पाया जाता है, अर्थात रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा घटकों में विभक्त किया जा सकता है इनको। फॉर एग्जाम्पल जल, मैथेन, चीनी, नमक एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर होता है जो भी, इसके भी दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में संगठन होता है वो समान होता है, जैसे समान संगठन का मतलब ये है दोनों अवस्थाएँ समान पाई जाएंगी, दो या तीन अवस्थाएँ होती है वो समान पाई जाएंगी, जैसे जल में शक्कर का मिश्रण विलयन, या जल में नमक का विलयन, या अल्कोहल में जल। फॉर नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण, असमान संगठन होता है, फॉर एग्जांपल बालू, नमक या शक्कर, अथवा तेल एवं जल आदि का मिश्रण। इन सब का मिश्रण होता है वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर हमने आज चर्चा की है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्थात मैटर की, मैटर किया जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसकी यहाँ पर हमने चर्चा की है कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।